और दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का काम संभाल लिया है। देश के अलग अलग राज्यों से चुने हुए सांसद भी दिल्ली आ गए हैं। अब उन्हें अपने अपने आशियाने का इंतजार है, लेकिन उनका यह इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में सांसदों के नए बंगले बनकर तैयार है। अब देखिए कैसा है नए सांसदों का नया आशियाना। सांसदों का नया आशियाना, शानदार डुप्लेक्स घर तैयार हैं, जो कि 17वीं लोकसभा में जो सांसद आए हुए हैं उनमें से कई को ये ठिकाना भी दिया जाएगा। अब फ्लैट नहीं, डुप्लेक्स में रहेंगे माननीय। आने वाले दिनों में सभी सांसदों के लिए भवन बनेगा। 17वीं लोकसभा चुनाव में जो सांसद चुनकर देश की संसद पहुंचे उनके ठहरने के लिए अब राजधानी दिल्ली में तैयार है ये बेहद खूबसूरत आशियाना। अब यही डुप्लेक्स माननीयों का नया ठिकाना बनेगा। 17वीं लोकसभा के सांसदों के लिए नया आशियाना भी बन रहा है, और दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में पहले जहां अलग अलग क्वार्टर हुआ करते थे वहां पे आप देखें तो शानदार डुप्लेक्स घर तैयार हैं। नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में जो सांसद रहते थे उनकी ये शिकायत हमेशा हुआ करती थी कि वो क्वार्टर होते हैं क्योंकि छोटे फ्लैट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लोग आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, किसी को कोई काम हो, कोई इलाज के लिए आता है, तो उन्हें इंटरटेन करने में उन्हें दिक्कत होती है। तो उस लिहाज से एक बढ़िया डुप्लेक्स घर तैयार किया गया है और बहुत कम समय में तैयार किया गया है इस घर को। इस घर के अंदर के हिस्से को अगर आप आगे देखें तो सामने के हिस्से में थोड़ा गार्डनिंग रखा गया है, साथ ही साथ एक बार जब अंदर के हिस्से में आप प्रवेश करते हैं तो अलग अलग इसमें कमरे दिखेंगे और बेहतरीन ढंग से इसको सजाया गया है ताकि जो भी सांसद यहाँ पर सत्र के दौरान या किसी भी समय पर यहाँ पर रहने के लिए आए तो उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सांसदों की सुख सुविधाओं के लिए इस डुप्लेक्स में कई खासियतें। डुप्लेक्स के अंदर लिफ्ट की सुविधा दी गई है। हर डुप्लेक्स में पार्किंग के लिए बेसमेंट की सुविधा है। 5 कमरों के अलावा अलग से गेस्ट रूम है। ग्राउंड फ्लोर पर दफ्तर और फर्स्ट फ्लोर पर रहने की सुविधा है। फिलहाल संसद के नजदीक नॉर्थ एवेन्यू इलाके में ऐसे 36 डुप्लेक्स तैयार है, जबकि ऐसे कुल 144 आशियाने बनने हैं। इसके पीछे सोच है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के सारण जिले से दोबारा चुनकर आए सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की। छोटी सी कोशिश कामयाब कैसे होती है ये राजीव प्रताप रूड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इन्हीं की कोशिश का नतीजा है कि आज ये डुप्लेक्स मौजूदा सांसदों को मिलने वाला है। मैं समझता हूँ कि 2015 से 16 के आसपास इसमें मैंने काम करना शुरू किया, तो पहले नक्शा उन लोगों ने ये बना के दिया मुझे। मैंने इस पर लंबी टिप्पणी की, उनको कहा कि मुझे स्वीकार्य नहीं है, और फिर मैं इस पर गहन अध्ययन करता रहा, यहाँ तक कि आप ये देख सकते हैं ये लेआउट प्लान है इस पूरे मार्ग का। मैंने फीता लेकर के पूरे नॉर्थ एवेन्यू को नापा, फिर इस बिल्डिंग को कहाँ सेंट्रलाइज करना है, रोड कहाँ निकलेगा, क्योंकि आगे के हाथे के और पीछे के हाथा बराबर होना चाहिए, क्योंकि एमपीओ में इस बात का हमेशा रहता है कि हमें गार्डन चाहिए, तो कहीं का भविष्य में ना हो कि मेरा छोटा है मेरा बड़ा है, तो उस पर भी मैंने ध्यान दिया। रूड़ी बताते हैं कि सांसदों के लिए ड्रीम होम बनवाने में उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। जो काम लगभग नामुमकिन था उसे रूड़ी ने शहरी विकास मंत्रालय दौड़ दौड़ कर खुद ही अप्रूव करवाया। मैं समझता हूँ कि प्रयास किया गया, और ये निर्माण के दौरान का था, और ये निर्माण के समय मैं बार बार निरीक्षण में जाता था। हालांकि मेरा ये कार्य क्षेत्र नहीं था, मैं इस विभाग का मंत्री नहीं था, मुझे हाउसिंग कमेटी का सदस्य नहीं था, लेकिन सबका कोऑपरेशन रहता था, स्पीकर मैडम का भी कोऑपरेशन बहुत रहता था, और मैं जाकर के बीच बीच में थोड़ा बहुत मौका मिलता था तो मैं प्रधानमंत्री जी को बताता था। मुझे ऐसा लगा कि मैं सीनियर सांसद हूँ, शायद अगले 100 साल तक दूसरे सांसद आके रहें, और सांसदों में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है, Type 5, Type 6, Type 7, Type 8। मैंने कहा एक ही ऐसा बना दो जो Type 8 वाले भी जो लोग मकान की तलाश करते हैं वो कहे कि इसी में रहे, ताकि ये कैटेगराइजेशन हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मकान का किचन हो या बालकनी या फिर गार्डन एरिया या कमरे की तैयारी, CPWD की मदद से सांसद महोदय ने कागज पर रोडमैप बनाया और नक्शे के हिसाब से तैयार हो गया ये आलिशान बंगला। एयर कंडीशनिंग बहुत वेस्टेज होता है, बार बार सांसद जब अपने घर में आते हैं तो फिर कोई कहता है यहाँ AC लगाओ, कोई कहता है वहाँ AC लगाओ। हम लोगों ने इंटरनेट का कनेक्शन पहले से करवाया, इंटरनेट का प्रोविजनिंग कराया, स्मार्ट लाइटिंग कराया, लिफ्ट का प्रोविजन किया,
पानी का, गीजर का, एग्जॉस्ट का और जो कुछ भी संभावित रूप से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का और एसी जिसकी व्यवस्था की गई वो ऐसे कि भाई पावर का वेस्टेज ना हो, एकदम ग्रीन इफेक्ट रहे, मैं समझता हूँ कि प्रयास किया गया। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में नॉर्थ एवेन्यू में बने ये पुराने मकान हैं। अब तक लोकसभा में देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग सियासी पार्टियों के जीत कराने वाले सांसदों को ये मकान मिला करते थे, लेकिन नया डुप्लेक्स बनकर तैयार होने के बाद अब सीनियरिटी के हिसाब से बंगले आवंटित होंगे। जो सांसद पहली बार जीत कर आए हैं उन्हें ये घर नाम नहीं मिलेगा, उसमें सीनियरिटी दिखी जाएगी अलॉटमेंट के लिए। जो कि सीनियर सांसद होंगे जिन्हें ये पसंद आएगा उन्हें ये घर दिया जाएगा। नए सांसदों को इस बार 5-स्टार होटल में जगह नहीं मिली। ज्यादातर सांसद वेस्टर्न कोर्ट या राज्यों के भवन में ठहराए गए। उन्हें अब इंतजार है नए आशियाने का, जिससे कि वो जल्द गृह प्रवेश कर पाए। देवेंद्र पाराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।